के लिए भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई की हुई, हजारों लाखों करोड़ लोग जिन्होंने अपने मन की बात कही, जो उठता है पिछले 10 साल में एक आदमी की मन की बात सुनकर उन्होंने हमें बताया मुद्दे क्या है और वो मुद्दे नजर आते हैं। दुख से कहती हूँ कि आज इस देश में हर घंटे दो किसान, दुख से कहती हूँ आज इस देश में हर घंटे दो युवा आत्महत्या कर रहे हैं। दुख से कहती हूँ कि सरकार को ही अपने आंकड़ों से ही महकूत कर रहे हैं। खुदकुशी करने वालों में एक चौथाई हिस्सा आज गरीब मजदूरों का है। किस कगार पर आ गए, किस मोड़ पर आ गया देश 10 साल में? सरकार का एक और आंकड़ा पोस्ट कर दो, 10 साल में मेरे देश में उस कगार पर ले आए कि 20% आबादी 46 रुपए रोज का गुजर बसर करने को मजबूर है। अभी रायपुर में निकल जाएंगे तो 46 रुपए में शायद 2 टंकी पानी की बोतलें मांग लिया, उस 46 रुपए में रहना खाना कपड़ा पढ़ाई दवाई सब कुछ 46 रुपए रोज, ये देश की भयावह स्थिति है। तो जाहिर है जब ये स्थिति है तो लगा कि प्रधानमंत्री जी जो अपना चुनाव कैंपेन शुरू करेंगे, जब लोगों के बीच जाएंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, 10 साल आपने सत्ता चलाएंगे, 10 साल बाद सत्ता चलाने के आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाकर बातों सी बात उस पर आप वोट मांगिए। आप कहिएगा मैंने इतना रोजगार बनाया, आप कहिएगा मैंने फला चीज कर ली, मैंने फलानी चीज कर ली, लेकिन प्रधानमंत्री ईश्वरी वाले क्या बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को मां से महिला, मां से लंगाई, मां से मणिपुर नजर नहीं आ रहा है। एक साल से चल रहा है मणिपुर, इस देश का हिस्सा है, प्रधानमंत्री का त्रिपुरा है, 35 मिनट की फ्लाइट है वहां से मणिपुर की, मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री, जहां आज भी लोग राहत कैंपों में रहने को मजबूर है। तो जरूर दिमाग खराब होता है, जरूर मन में ख्याल आता है कि किन मुद्दों में चुनाव होगा और कितनी भी कोशिश कर ले मुद्दों से भटकाने की, हम अपने मुद्दों से हटेंगे नहीं। तो बजाय अपनी बात में टाइम बात करके व्यर्थ करें, मैं जरूर आपके माध्यम से